ईसाइयों को इस पुस्तक में पिरोने के लिए उन्होंने न जाने कितनी रातों को जाग कर अपने विचारों को आकार दिया होगा। उनके अनुभव, विचार, घटनाएं और भावनाएं इस पुस्तक में इतनी स्वाभाविकता से प्रकट होती हैं कि पाठक जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मानस में एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन महसूस होगा। आज के डिजिटल युग में इस पुस्तक के विमोचन के साथ हम सभी एक ऐसे ज्ञान का स्वागत कर रहे हैं जो देश के कर्णधारों को भी एक दिशा दे सकेगा। यह पुस्तक न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए उपयोगी होगी बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी जो स्वर्ण दिन के सभी पहलुओं को समझने की इच्छा रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी पिछले माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक जो देश में माहौल था तो कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कार्यशैली को देखकर मन में कुछ अपने गांव के लिए करने की इच्छा हुई। इससे पहले जब मैं गांव में जाता था तो 7 बजे भी मेरे बड़े भाई एडवोकेट है, वो कहते थे कि भैया यूपी में रात में मत आया करो। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे पहुंच जाता हूं। जो पहले का गांव मैंने जिया है और जो अब गांव की व्यवस्थाएं बन गई हैं, जो मानव जीवन जितना सरल और सुलभ हो गया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जब हम किसी काम को करने निकलते हैं, अभी बीच में विकास भाई ने मुझे संदेश दिया कि आदरणीय गिरीश जी ने कहा है कि एक कार्यक्रम में है वहां पे आना है, तो मैंने कहा भी मैं तो गांव का आदमी हूं, बहुत ज्यादा इन दस्तूरों में पहुंच नहीं पाता, थोड़ी झिझक होती है। तो फिर भी इन्होंने मेरे से नाम ले लिया और जब मेरे को कार्ड भेजा तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। तो जब मैं काम करने के लिए गांव में गया, ऊर्जा कहां से मिली? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है कि उन किताबों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया जाए। और गांव से शहर में आके मैं सन 1992 में दिल्ली आया था और कई कारोबार करने के बाद जब मैं पत्रकारिता और प्रकाशन व्यवसाय में गया, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरा जन्मांक मूलांक सद्दाम हुसैन और हिटलर से मिलता है और सोशल मीडिया पे एकमात्र में शैलेंद्र जैन अप्रिय के नाम से मिलता हूं। शैलेंद्र जैन अप्रिय जी, वो इसलिए कि जब मैं सच बोलता हूं तो बात किसी को प्रिय नहीं लगती। तो जब मैंने वो पत्रकारिता में आया तो लोग अक्सर होता गया जब सच खबर छपती है तो पहले फोन करते हैं, धमकाते हैं। अब वो दुर्भाग्य से मैं, मेरा जो मूलांक और जन्मांक है तो मैं डरता नहीं किसी से, तो वो चलता गया। कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था पत्रकारिता का, एक्सीडेंटली मैं आ गया इसमें। तो उस समय पे वो विमान अपहरण कांड हुआ, खबर छपी, खबर छपने के बाद बड़ा बवाल हुआ। मेरा ऑफिस भी फ्रेंड्स कॉलोनी में था तो मैंने कैमरे वैमरे लगा रखे थे, पता चला कि वहां पे हमला हो गया और मैं ऑफिस में मौजूद था। जब हमला हो गया तो 15 मिनट में वो अपना काम कार्यक्रम करके चले गए, पुलिस आ गई। उसके बाद मेरे नंबर पे फोन आया, बोले ये तो ट्रेलर था आगे। तो मैंने कहा ट्रेलर तो अब हम दिखाएंगे, हमारा भी ये ट्रेलर था, अब आगे हम दिखाते हैं आपको। उसके बाद विश्व का कोई देश नहीं है और कैसी भाषा नहीं है जहां से मेरे पास मेरे फोन पे धमकियां नहीं आती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, आप यहां से आए तो INS जाइए या फिर प्रेस एरिया ITO पे जाइए। तो 20 साल से मेरा ऑफिस प्रताप भवन में है। तो सारे काम करने के बाद उस व्यक्ति ने, जिसका नाम अब्दुल्ला मदनी है और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नेपालवर्ती जिले हैं उनके कार्यक्रमों में यहां हिंदुस्तान के लोग उसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते थे और मेरे पत्रकारों ने वहां पर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर करा के वो सारी स्टोरी तैयार की थी और लास्ट में उसके नाम से छाप दिया था। और मेरे पास उस समय प्रेस नहीं थी, अब तो प्रभु कृपा से 2-2 प्रेस हैं। तो मेरा अखबार अमर उजाला में छपता था। अतुल माहेश्वरी जी का फोन आया कि जैन साहब ये क्या कर दिया। तो मैंने कहा अपना फैक्स नंबर दीजिए, तो फैक्स चलता था, तो मैं स्टैम्प पेपर अपने पास रखता था। मैंने उनको इंडेमनीफाई कर दिया उसी पर कि सारी जिम्मेदारी मेरी, आपने तो सिर्फ छापा है।
जब उसका कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी तो लास्टली उसने दिल्ली हाई कोर्ट में 11 करोड़ का मुकदमा मेरे ऊपर दागा सन 2004 में, और 2006 में मैंने वो मुकदमा खारिज करा दिया, क्योंकि मुकदमे होते रहते हैं, वकील को समझाना पड़ता है कि अगर सामने वाले की हैसियत 10 करोड़ की है और वो आईटीआर भर देता है तो कल चेक ले जाए, मान हानि तो उसी से होगी ना। तो बहरहाल वो मैं मुकदमा जीत गया और बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। गांव में भी जब मैंने ये सोचा कि जब देश को इतना बड़ा हीरा मिला है, कोहिनूर मिला है, तो मैं बातें न करके मैं कुछ काम करता हूं, तो मैं अपने गांव पहुंचा और गांव के लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वहां पर हर तरह के लोग होते हैं, और मैंने ये देखा है, हालांकि हम में से बहुतों की पृष्ठभूमि गांव से होगी, कि शहर में आने के बाद गांव भूल जाते हैं, और जब गांव का आदमी हमारे पास आता है ना तो उसे सम्मान नहीं दे पाते। तो मैंने वहां जा जाके रात के 2-2 बजे तक उनके बीच बैठना शुरू किया और लोग जाते नहीं थे, और जब मैं दिल्ली के लिए निकलता था तो लोग रोने लगते, क्योंकि उनके साथ तब तक बैठना जब तक उनका मन न भर जाए, वैसी ही बात करना जो उन्हें अच्छी लगती है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दे। कॉन्फिडेंस से आज मेरे गांव में 70 बीघा जमीन आक्रांताओं से मुक्त करा ली गई है। मेरे गांव में HD कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी घटना करने से पहले व्यक्ति सोचता है, और मेरे पास हर पार्टी से संदेश आते हैं कि साहब आपका इरादा क्या है, आप चाहते क्या हो। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि सफाई चल रही है देश में तो सफाई ही चाहता हूं, इसके अलावा इस क्षेत्र में जाने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर प्रभु ने चाहा तो देखा जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुद भी पिछले 8 सालों से निर्बलों और असहायों की सेवा सहायता करने में अनेकों अत्यंत विषमतम राजनीतिक परिस्थितियों से लड़खड़ाता गिरता और उठता रहा हूं। कई एक्ट और कई मुकदमे लग गए, मतलब एक व्यक्ति ने तो 100 रुपए महीने की रंगदारी का मामला दर्ज करा दिया कोर्ट के थ्रू, वो भी किस लिए कि एक मंदिर मेरी व्यवस्था में, वहां पे हिंदू मंदिर है और उसमें अयोध्या की तरह लाल पत्थर लगा के मैं उसका निर्माण अपने व्यक्तिगत खर्चे पे करवा रहा हूँ, और वो बहुत सुंदर 60-70 बीघा जमीन में है, बड़े बड़े सरोवर हैं और 600-600 वर्ष पुराने कदंब के वृक्ष हैं उसमें। तो इतनी समस्याएं आती हैं, तो जिसके लिए मुझे एक ऐसी संघर्ष यात्रा पढ़ने और समझने की महती आवश्यकता थी, जिसे अपने जीवन में आत्मसात कर उपद्रवियों और नकारात्मक तत्वों हेतु शांतिपूर्वक लंबी लकीर खींच सकूं। और मैं सोच ही रहा था तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो गया, गिरीश शर्मा जी का मेरे पास संदेश आ गया, और ये किताब जो आज इसका विमोचन और जन्म हुआ है, ये मुझे मेरी भाषा में, मातृभाषा में आज उपलब्ध हो जाएगी। ये सब गिरीश शर्मा जी की अनुकंपा से हो सका है, और आगे इच्छा ये है, भावना यह है कि श्री गिरीश शर्मा जी स्वस्थ रहते हुए आगे भी हमें अपनी लेखनी और साहित्यिक साधनाओं से अभिसिंचित करते रहें। इनके सखा और हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश को प्रगति पथ पर अग्रसर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। भारत माता की जय। Thank you very much, sir. You have